नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, वीए में मैं बता दूं भारत के सबसे ज्यादा लोग इंडिया के वीए में रहते हैं। जी हाँ बता दूं, इंडिया वीए की अगर बात करें तो कुछ अच्छी टॉपिक पे हम बात करेंगे। 90 लाख लोग वीए में अमीरात में रहते हैं। आपको पता है 7 स्टेट है वहां पे, अमीरात जिसको बोलते हैं, अलग अलग होते हैं स्टेट, 7 स्टेट है। 90 लाख वर्ग टोटल वहां पे लोग हैं, उनमें से बता दूं 30% आबादी इंडियन है। 30 से भी मैं बोलूं ज्यादा है, मेरे हिसाब से 40% से कम आबादी इंडिया की दुबई में रहती नहीं है। जी हाँ, तो भाई दुबई में आप रहते हैं या फिर इंडिया से दुबई जाने वाले हैं तो कुछ अच्छी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता लगे भाई वीए के बारे में, इंडियन लोग कैसे क्या रह रहे हैं, कैसे क्या व्यापार समझौता है, ये जानकारी आपको वीए के बारे में होना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि आपको हर रोज आपको वीए से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ साथियों, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो भाई वीए एक अलग ही पहचान रखने वाली कंट्री बन चुका है। आपको पता है इंडिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह भी वीए है। हालांकि लोग तो कनाडा की बात करते हैं लेकिन कनाडा में तो इतने से 10 लाख लोग रहते हैं भाई, इंडिया के मात्र 10 लाख ही है। बाकी दुबई में बता दूं लगभग 40 लाख के के करीब थे, लेकिन अभी ठीक है, कोरोना काल में इन आउट होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भरपाई हो जाएगी। वीए में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ साथियों, पिछले आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वीए में पहुंचे थे। इस साल की तो हम बात नहीं करेंगे। सबसे अच्छी फेवरेट जगह है वीए में, खास तौर से दुबई। जी वीए में टोटल 7 अमीरात हैं साथियों, बता दूं इसमें जो उनका राजा है उनको वहां पे अमीर बोलते हैं। जी हाँ, राजा का नाम अमीर, अमीर के नाम से वहां पे उपाधि मिली। वीए के साथ इंडिया का बहुत ही खास ज्यादा कनेक्शन है। हर इंसान वीए को पसंद भी करता है और जाना भी चाहता है। बता दूं 30-40% के बीच में काफी सारे इंडियन लोग रहते हैं। बता दूं उनमें भी सबसे ज्यादा लोग कौन है, केरला के 40%। जी हाँ साथियों, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है दुबई में रहती है, वीए में रहती है, उसमें 40% लोग केरला के रहते हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छी अच्छी उनकी कंपनियां हैं, साल का उनका करोड़ों का टर्नओवर है। अगर बात करें वीए में अमीराती, अगर जनसंख्या की बात करें तो 90 से 1 करोड़ के बीच में लगभग आंकड़े निकल के आ रहे हैं। उसमें से बता दूं 12% अमीराती हैं। मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख लोग ही लोकल दुबई के वीए के अमीराती हैं। बाकी टोटल जनसंख्या बाहर की है, प्रवासी है, और उसमें सबसे ज्यादा लोग इंडियन है। जी हाँ, खास बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपको जान लेनी चाहिए कि वीए में, जी हाँ साथियों, आपको पता भाई अरब कंट्री है, अरब कंट्री में भाषा सबसे पहले अरबी है, उसके बाद में इंग्लिश है, और अच्छी बात यह कि कोर्ट में भी हिंदी चलती है। ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए जीत है कि इंडियन लोगों को अच्छी न्याय मिल सके, हिंदी भाषी लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं उनको हिंदी है, बंगाली भी हिंदी है, जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे नेपाली, बंगाली, पाकिस्तानी या फिर इंडियंस है, तो काफी लोग रहते हैं। इनकी सुविधा को देखते हुए वहां पे हिंदी, कोर्ट में भी हिंदी मान्यता कर दी है। अगर आपका कोर्ट में वास्ता पड़ता है तो आप हिंदी में अपना पूरा काम कर सकते हैं। तीसरी भाषा के तौर पे वहां पे मान्यता मिली है हिंदी लैंग्वेज को। जी हाँ, जिसमें आपको न्याय पाने में आसानी हो। अब आपके सामने उर्दू डाल दे या फिर इंग्लिश डाल दे, आपको आता ही नहीं है कुछ, और हिंदी डाल दे तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो आप आराम से 3-4 कंट्रीज के लोग हैं वो पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसको ऑफिशियल भाषा के तौर पे, तीसरी भाषा के तौर पे इसको हिंदी को मान्यता कोर्ट में भी दी गई है, न्याय जिसको विभाग, न्याय विभाग में जिसको बोल सकते हैं। खास ही बात करें यूनाइटेड अरब, जी हाँ साथियों, अरब देश इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत खास महत्व रखता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इनके साथ अपने व्यापारिक समझौते हैं, उनसे है, भारत वीए से अपनी ऊर्जा के जो क्षेत्र है उसमें ऊर्जा की पूर्ति उनसे वीए से करता है। दूसरी बात, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं लाखों की संख्या में, 30-35-40 लाख वर्कर जो रहते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं, वो पूरा इंडियन करेंसी आती है, नहीं दुबार की जो करेंसी इंडिया में आती है उससे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। यही कारण है कि हमारे भारत से भी बहुत ज्यादा निर्यात यूएई में किया जाता है। बता दूं वर्ल्ड में यूएई दूसरा देश है जहां पर भारत का सबसे ज्यादा निर्यात यूएई में होता है। जी हां सर, 2017 में 68वें गणतंत्र दिवस जब था, जब संयुक्त अरब अमीरात के जो क्राउन प्रिंस हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पे भारत में आए, इस मौके पर प्रिंस ने भी ये बात बोली थी कि 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार 60% हमारा बिजनेस हो जाएगा। जी हां साथियों, यानी 60% बिजनेस पहुंचना छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। किसी देश के साथ अपना बिजनेस 10% है, किसी के साथ 12 है, 13 है, 5 है, 20 है,
इस तरह से है। लेकिन उन्होंने बोला जो 2017 से कि भाई आने वाले 5 सालों में 60% से ऊपर हमारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात। 2015 से भारत ने बता दूं ई वीजा की शुरुआत भी की थी। एक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो दुबई का एयरपोर्ट सबसे ज्यादा एयरपोर्ट व्यस्त रहने वाला है, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और बता दूं वे के आंकड़ों में अगर निकाल के देखा जाए तो जितने भी टूरिस्ट हैं उसमें पूरा वर्ल्ड को मिला के तो इंडिया के टूरिस्ट सबसे ज्यादा दुबई जाते हैं घूमने के लिए या किसी भी पर्पज से, तो इंडिया नंबर वन पे है दुबई जाने वालों पे। बात को ध्यान रखना, यूएई ने 13 देशों के कंट्री के वीजा बंद बैन कर दिए इंडिया को छोड़ के, क्योंकि उनको पता है 50 देशों को एक तरफ कर लो और इंडिया को एक तरफ कर लो, रिजल्ट बराबर। तो वो कभी नहीं चाहता कि भी इंडिया के वीजा बंद करके हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। ये भी एक कूटनीतिक चाल होती है सरकार। बस यही वीए से रिलेटेड कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।